भुगतान करो, भुगतान करो, वेतन भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी संघ के द्वारा चार सूत्री मांगों को लेकर कटिहार के समाहरणालय के सामने किया गया धरना प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज ने बताया कि उनकी वेतन को सीधा उनके अकाउंट में डिजिटल माध्यम से दी जाए। रात्रि प्रहरी कर्मचारी का पद सृजित करते हुए योग्यता के आधार पर परिचारी निम्न वर्गीय लिपिक में समायोजन किया जाए। रात्रि प्रहरी को श्रम कानून के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी एवं ऑनलाइन के माध्यम से ससमय वेतन भुगतान किया जाए। धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है? जी, हम लोग बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी के सदस्य हैं। हम लोग 2009 से कंटिन्यू हम लोग बिहार सरकार के विद्यालय हाई स्कूल प्लस टू में कार्यरत है। आपको मालूम होगा कि आज TR1 TR2 की जो रिजल्ट आने के बाद जो शिक्षक बहाली हुई BPSC के माध्यम से, इससे पहले जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय थी उसकी रखरखाव से लेके पढ़ाने की व्यवस्था तक रात्रि प्रहरी की। लेकिन हमारे लाचार है और बेबस है कि हम लोग को 17-18 महीना के बाद भी पेमेंट नहीं मिलता है। आज बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बार बार दुहाई देते हैं, प्रचार करते हैं, और लेकिन और बिहार सरकार दूसरे तरफ आज विधवा पेंशन से लेके वृद्धा पेंशन तक देते हैं, 1 रुपया भी देते हैं तो खाता में देते हैं। लेकिन हम लोग 2009 से हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा। हम लोग बिहार के रात्रि प्रहरी चाहते हैं कि हम लोग CFMSI के माध्यम से हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को खाता में पैसा मिले, जिससे कि ससमय हम लोग को अपना वेतन भुगतान हो, अपने बाल बच्चे को भरण पोषण कर सके, स्वास्थ्य सुविधा को पूरा कर सके, जिससे हम लोग का परिवार का भरण पोषण सही से चले, जिससे हम लोग का जीविका चले। दूसरी तरफ हम लोग बिहार सरकार ने हर बार पटना में जाके धरना देते हैं। धरना देने के पश्चात 2 महीने बाद हम लोग को जिला में पैसा भेजा जाता है हम लोग का तनखा। मौजूदा समय में हम लोग का 1 महीना हो गया कटिहार जिला में पैसा भेजने का रात्रि प्रहरी में। लेकिन यहाँ की विधि व्यवस्था इतनी खराब है कि हम लोग को अभी तक पैसा पेमेंट नहीं हुआ। यहाँ से जाने के बाद 2-3 महीना में पहुँचता है स्कूल की खाता में। स्कूल की खाता में जब आते हैं तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हम गुजरना पड़ता है। कारण है कि जब तक शिक्षा समिति वहाँ पर बैठक नहीं करेंगे, हमारे शिक्षा समिति के माननीय अध्यक्ष विधायक जी होते हैं, विधायक जी को 1 पल की छुट्टी नहीं है, जिसके कारण हम लोग को फिर उधर 2-4 महीना लग जाता है। यानी हम लोग भूखल के भूखल रह जाते हैं। इतना स्थिति खराब है कि मैं खुद अल्सर का पेशेंट हूँ। मेरा 8,000 रुपया महीना दवा में लगता है। मैं 10 कट्ठा जमीन बेच चुका हूँ। मेरी स्थिति गड़बड़ है। लेकिन सरकार से दुहाई देता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि हम लोग को स्वास्थ्य में ऑनलाइन पेमेंट किया जाए। क्या नाम? 2% ही दीजिए लेकिन हमको ऑनलाइन पेमेंट। नाम क्या हुआ? मोहम्मद फिरोज, जिला अध्यक्ष रात्रि प्रहरी संघ कटिहार।